अगर मेरे डैड के खिलाफ एक और शब्द भी आपने कहा ना, तो मुझसे पर और कोई नहीं होगा। और अगर तुमने हमारे डैड के खिलाफ एक शब्द और कहा, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इस मैटर को पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ और हमारे पुराने मैनेजर शुक्ला ने भी यही कहा कि इस हादसे से मेरी फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। शुक्ला कौन है? इन्हीं का तो मैनेजर है ना वो, इनके प्रेशर में आके झूठ भी तो बोल सकता है। झूठ तो तुम भी बोल सकते हो या बोल रहे हो। यू नो व्हाट, तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। हमें ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठना चाहते हो, यही करना चाहते हो तुम? बड़े भैया, शिवाय सिंह ओबेरॉय, आपको लगता है कि मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूं? एक्चुअली ये तुम लोगों का ना कसूर है ही नहीं। तुम लोगों ने अपने पेरेंट्स का असली चेहरा जो नहीं देखा है अभी तक। इन लोगों ने क्या क्या कारनामे किए तुम लोगों को पता ही नहीं है, इसीलिए तो इतना ट्रस्ट करते हो इन पे। लेकिन जिस दिन कल्याणी मिल का सीक्रेट बाहर आ गया ना, तुम लोग का ट्रस्ट भी टूट जाएगा और तुम लोग की फैमिली भी। कहते हैं अपने माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है, और इसीलिए अब अपने बड़ों की पापों की सजा तुम लोग को भुगतनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी बात में इतनी सी भी सच्चाई है ना, तो सबूत पेश करो, क्योंकि बिना सबूत के तुम हमारे परिवार पे उंगली नहीं उठा सकते, समझे तुम? और अगर मैं साबित कर दूं तो? जी हाँ, मेरे पास वो टेप है जिसमें प्रूफ होता है कि जो इल्जाम मैं तुम लोग पे लगा रहा हूँ वो सच है। ओके, क्या सबूत है, दिखाओ मुझे। श्योर, आई जस्ट गेट इट। कौन से सबूत की बात कर रहे हैं? छोटी मां, आप टेंशन मतलब वो झूठ बोल रहा था, और अगर उसके पास कोई टेप है भी तो मुझे पूरा यकीन है वो डॉक्टर है। अगर ये लड़का जो कह रहा है वो सच है ना जीत जी, तो जरूर ये सारा कांड आपका किया धर है। आप पर तो मुझे कभी ट्रस्ट था ही नहीं, और फैक्ट्री को तो हमेशा आप ही जलाना चाहते थे। पिंकी, स्टॉप इट पिंकी। हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं। मुझे तेज ने कहा है कि उन्होंने फैक्ट्री में आग नहीं लगाई, इसका मतलब है कि उन्होंने फैक्ट्री में आग नहीं लगाई है। Exactly. चीफ जी कौन से राजा हरिश्चंद्र हैं जो सच के सिवा और कुछ नहीं बोलेंगे? भगवान के लिए प्लीज चुप हो जाओ तुम लोग सब, ये कोई वक्त है आपस में लड़ाई झगड़ा करने का? इस ब्लैंक टेप के बिना पे तो मेरी फैमिली पे एलिगेशंस लगा रहा था। और अभय, चिल्ला चिल्ला के बोलने से हर झूठ सच नहीं बन जाता। तू जो प्रूव करने आया था वो तो प्रूव कर नहीं पाया, पर एक बात जरूर प्रूव हो गई कि तू झूठा है और स्टूपिड भी। टेप चल क्यों नहीं रही है? ओबेरॉय के सामने कल्याणी मिल का सच ले आए? सपने तो बहुत देखे होंगे तुमने, लेकिन तुम ये भूल गए तुम्हारी मंजिल का रास्ता स्वेतलाना से होके गुजरता है। मैं इस अभय पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। तेरे अंदर इतनी सी भी शर्म बाकी है ना, जस्ट गेट लॉस्ट। और क्योंकि तेरा नाम हमारे सरनेम से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, इस बार पुलिस को नहीं बुला रहे, और अगर तूने हमारी फैमिली को परेशान करने की दोबारा कोशिश की ना, तो हम भूल जाएंगे कि तू भी एक ओबेरॉय है। तुम लोग की किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन सच सबूतों का मोहताज नहीं होता है। जिस दिन बाहर आएगा ना, तुम लोग बोलने के लायक नहीं रहोगे। अबे जा,
जब तक हम लोग साथ है ना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। जिस दिन वो राज खोलेगा ना, उस दिन ना तो ये साथ रहेगा, ना ये परिवार, ना ये खुशियां और ना ही ये तुम लोग का भाईचारा। ओके एनफ, शट अप एंड गेट लॉस्ट आउट। आई सेड मैं खामोश हो सकता हूँ लेकिन सच खामोश नहीं होगा, और जिस दिन सच बोलेगा ना, उस दिन तुम लोग बोलने के लायक नहीं रहोगे। बहुत हो गया तेरा इस घर में। गेट आउट, मेरा यतीन दीजिए चाचुमा। बकार हो तुम लोग, सब बेईमान हो। Just stay there, okay? वो बेरोज़ का नामो निशान मिटा दूंगा मैं। शिवाय नहीं, शिवाय प्लीज शिवाय। ओमकारा जी बस कीजिए, तुम भगवान के लिए यहां से चले जाओ प्लीज। जा रहा हूं, अभी के लिए जा रहा हूं, लेकिन लौटूंगा जरूर, और इस बार सबूत के साथ। याद रखना, जो पाप तुम्हारे बड़ों ने किए हैं उसकी सजा तुम लोगों को चुकानी पड़ेगी, तुम सबको। कभी भी खुश नहीं रहोगे तुम लोग, याद रखना, और ये परिवार टूट के बिखर जाएगा। जो पाप तुम्हारे बड़ों ने किए हैं उसकी सजा तुम लोगों को चुकानी पड़ेगी, तुम सबको। कभी भी खुश नहीं रहोगे तुम लोग, याद रखना, और ये परिवार टूट के बिखर जाएगा। जिस दिन वो राज खोलेगा ना, उस दिन ना तो ये साथ रहेगा, ना ये परिवार, ना ये खुशियां, और ना ही ये तुम लोग का भाईचारा। शिवाय बहुत परेशान है, मुझे उनका मूड ठीक करना चाहिए। शिवाय आपका फोन कहाँ है? फोन कहाँ है आपका? ये रहा। ये जेब में क्या कर रहा था? इसे अभी फर्श पे या पूल पे होना चाहिए था ना। कोई नहीं, आप अभी फेंक दीजिए। मतलब? आप फेंकेंगे नहीं तो आपका गुस्सा कैसे ठंडा होगा, और गुस्सा ठंडा नहीं होगा तो आप अंगारा सिंह ओबेरॉय बन के घूम करेंगे। फेंकिए, कोई नहीं, मैं कह रही हूँ फेंकिए। कैसा लग रहा है बेटा? और वैसे भी ऐसी आईवो जाइवो की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बार बातें इतनी गहरी चुप जाती है अनिका, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। शिवाय अब कोई भी चंटो माई बन के झूठे पहाड़े पड़ेगा तो हम क्या सच मान लेंगे? सिर्फ झूठी बातों पे परेशान क्या होना। मुझे गुस्सा इस बात का है कि वो मुझे चैलेंज करके गया कि हमारी फैमिली टूट जाएगी, हम तीन भाई अलग हो जाएंगे। उसके बोलने से क्या होता है? हाँ, आप तीनों को ना दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। जानता हूं मैं ये होने का। उमरू मेरे भाई नहीं है, जान है मेरे, पर हमारे बीच कोई भी अगर आया ना, उसका नामो निशान मिटा दूंगा मैं। वो लड़का जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था ना, उस हिसाब से तो कोई ना कोई सबूत उसके पास जरूर है। वही तो मैं सोच रहा हूँ पिंकी, लेकिन आखिर ऐसा हो क्या सकता? उसने तो अपने सारे टेप्स चला दिए थे ना, कोई सबूत बाकी नहीं बचा है ना जेठ जी? तुम लोगों की आंखों के सामने वो टेप्स चलाई थी मैंने, वो किस सबूत की बात कर रहा है? I have no idea. नहीं नहीं भाई साहब, कुछ तो जरूर है, वरना वो लगता हमें इस तरह से चैलेंज नहीं दे सकता था। I don't think so, शक्ति। अगर उसके पास कुछ होता तो वो जरूर अपने साथ लेकर आता। वो जो टेप्स चलाई थी ना,
वो सारे ब्लैंक्स थे। जी ऐसा लगता है कि वो अंधेरे में तीर मार रहा था। खतरा भी टला रही है। मुझे लगता है वो लड़का वापस जरूर आएगा। और अगर वो अपने साथ कोई सबूत लेकर लौटा ना तो हम सबकी ओमे माता होनी तय। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चों को हम पर पूरा भरोसा है। आई एम श्योर वो अभय की बातों में नहीं आने वाले। क्या हुआ? मुझे लगता है मूंछ आ गई है। अब मेरी समझ आया कि ये मूंछ तुम्हें कैसे आई। यहाँ दर्द है? हाँ। दिखा। तो बड़ी नाजुक निकली आने का। इतने से मैं कमर लचक गई। इतने बड़े मतलब आप शक्ल से ना पूरे ऋतिक हैं लेकिन मन से एकदम प्रेम चोपड़ा है आप। मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े चोपड़े होंगे। मेरा मतलब चीपड़े होंगे। ऐसे कहीं और लगी है या सिर्फ क्यों क्या शर्मा रही हो तुम? वो उस दिन तो पेंट की वजह से हुआ जो हुआ। एक सेकंड, तुम्हें लगता है जो हुआ वो पेंट की वजह से हुआ और मेरा कोई हाथ नहीं था उसमें। मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब व्हाट? लगता तो मुझे ऐसा ही है। अच्छा दिखाना पड़ेगा। एक मिनट, कर क्या रहे हैं आप? कहां लेके जा रहे हैं मुझे? साबित कर रहा हूं कि ऐसे सो को पेंट की जरूरत नहीं है। पागल पागल हो गए हैं क्या? तुम्हारे लिए कमर ठीक है ना? इतना गुस्सा क्यों? खून खोल रहा है मेरा। हमारी फैमिली के बारे में बकवास करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? हम भाइयों के बॉन्ड को चैलेंज किया उसने। वो तो आप दोनों वहां पे थे वरना उसके अलग से जबान खींचे निकाल देता मैं। रिलैक्स, कोई भी कुछ भी कहे या करे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम साथ थे, साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमें ना कोई अलग कर सकता है ना ही कोई तोड़ सकता है। बिकॉज वन फॉर ऑल। One for all. All for one. जो प्यार तुम तीनों में है काश वही प्यार घर के बड़ों में भी होता। शिव उम्रों की तरह तेज शक्ति और विशाल भी हमेशा साथ रहते। दादी मैंने आपको नीचे भी बहुत परेशान देखा था। बताइए ना क्या है आपकी परेशानी की वजह? पुत्र मेरे दिल पे एक बोझ है। जाने अनजाने में इस परिवार ने अभय और उसके परिवार के साथ बहुत बुरा किया है। दादी आप उस लड़की की साइड ले रहे हैं जिसने हमारी फैमिली को तोड़ने की कोशिश की। रिलैक्स। पुत्र, शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो तो उसे काट के नहीं फेंका जाता, उसे ठीक करने की कोशिश की जाती। अभय भी इस परिवार का एक हिस्सा है, हमसे नाराज है क्योंकि हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। मैंने विशाल को अपने बच्चों की तरह पाला था लेकिन जब बात कल्याणी मिल के आई तो मैंने मेरे बच्चों का साथ दिया। बड़ी होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं उन तीनों को समझाती, कोई रास्ता निकालती, लेकिन मैं चुपचाप सब कुछ देखती रही। तेज और शक्ति ने विशाल को घर से बिजनेस से बेदखल कर दिया। मैं तब भी कुछ नहीं बोली जबकि मुझे पता था कि विशाल ही उन तीनों में से सबसे ज्यादा ईमानदार और नेक इंसान है।
के बाद विशाल कहाँ गया? उसने और उसके परिवार ने कैसे गुजारा किया? क्या क्या सहा? मैंने कुछ पता नहीं किया और इस बात का मुझे आज तक अफसोस है पुत्र। पुत्र मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ और ये तभी हो सकता है अगर तुम तीनों मेरा साथ दो। बताइए दादी, क्या कर सकते हैं हम जिससे आपकी फिक्र कम हो जाए? दादी, अगर कुछ है जो हम तीन कर सकते हैं जिससे आपके मन का बोझ हल्का हो जाए तो अब बस कहिए, हम करने को तैयार। पुत्र, मैं अभय को इस घर में वापस लाना चाहती हूँ, उसे उसका हक दिलाना चाहती हूँ, उसके मन की कड़वाहट दूर करना चाहती हूँ, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। अगर ऐसा है ना तो फिक्र मत कीजिए, ओके? मैं खुद अभय को इस घर में वापस लेकर आऊंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे दादी, उसे वो सब कुछ मिलेगा, हर वो चीज जिसका वो हकदार है। शाबाश मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास था मेरे पोते मुझे कभी निराश नहीं कर सकते। अभी तो मैं यहां से जा रहा हूं लेकिन वापस जरूर आऊंगा। मंदिर आने को नहीं कहेगा? कहीं जा रहे हो? इस शहर से दूर। क्यों? शायद मेरे डैड की तरह मुझे भी ये शहर रास नहीं है। मैं तुम्हारे दर्द को भी समझता हूँ और तुम्हारी नफरत को भी। मुझे नहीं पता पास्ट में क्या हुआ भाई, लेकिन जो आज हुआ ना उसके लिए माफी मांगता हूँ। हमने बिना सोचे बिना पूरा सच जाने रिएक्ट किया और तुम्हें घर से निकाल दिया। इट्स ओके भैया, इट्स ओके। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि जब बात फैमिली पे आती है ना तो इंसान कुछ नहीं सोचता। मैं अपनी फैमिली के लिए लड़ रहा हूँ और आप अपनी। हमारी फैमिली अलग थोड़ी है। अब एक सच वो है जो मुझे बड़ों ने बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सच और है जो तुम जानते हो। वही जानने आया हूं मैं। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो बताओ मुझे भाई। अब और ना सच कहूं भैया तो मेरे पास कुछ नहीं, ना कोई सबूत है, ना कोई टेप है, ना कोई सच्चाई है। मेरे अंदर जो बरसों से गुस्सा था जो बस लावा बन के बाहर निकल है, दैट्स इट। मुझे बस आप लोगों को रियलाइज कराना था कि आप तीनों का एक चौथा भाई भी है, जिसे आज तक ना बड़े भाई की डांट मिली है और ना ही छोटे भाई का प्यार। इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद हमेशा से ये भाई अकेला रहा है। लेकिन आप तुम अकेले नहीं हो बाबा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सब भूल जाओ, घर आ जाओ, अपने घर आ भाई। बड़े भाई के नाते कह रहा हूं, घर चलो। लेकिन भैया ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बात सिर्फ मेरी नहीं है, I'm married now। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो take your wife as well, दोनों आ जाओ तुम लोग, और बिल्कुल स्ट्रेस मत ले, ओके? जो मान और सम्मान अनिका और गौरी को ओबरॉय मैंशन में मिलता है वही तेरी वाइफ को मिलेगा। विशाल अंकल के साथ जो गलत होगा उसे सही करना चाहता हूँ मैं। अभय बड़ा भाई हो तेरा, एक मौका तो बनता है ना। Let's do this। Okay। मैं भी यही चाहता था शिवाय।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।